करण कुंद्रा बने नागिन के फैन। करण के फैशन ने मचाया सोशल मीडिया पर तहलका। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल। वेल, करण कुंद्रा का स्टाइल आजकल कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा या कोई भी यंगस्टर्स कह ले, हर कोई करण कुंद्रा के फैशन को फॉलो कर रहा है। उनके स्टाइल स्टेटमेंट्स और उनके हॉट हॉट फोटोशूट्स के लोग काफ़ी दीवाने हैं। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कम उनकी फ़ैन नहीं हैं। करण कुंद्रा की भी जमकर फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी फीमेल फैंस करण के स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। करण कुंद्रा सोशल मीडिया पर आए दिन तहलका मचाते ही रहते हैं। उनके फनी वीडियोस कह ले, या फिर उनके हॉट फोटोशूट्स, या फिर उनके तेजा संग, या उनके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के बिहाइंड द सीन्स की झलकियाँ, आए दिन करण कुंद्रा अपने फैंस को कोई ना कोई ट्रीट देते ही रहते हैं। ऐसे में करण कुंद्रा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो ब्राउन कलर के लेदर ब्लेजर में नजर आ रहे हैं। ये वही फोटो है जिसने बहुत ही ज्यादा तहलका मचा दिया था जब उन्होंने एस्केलेटर पे अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी को किस किया था। उस वक्त करण कुंद्रा ने यही ब्लेजर पहनी थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि करण कुंद्रा ने स्नेक के प्रिंट का ब्राउन कलर का जैकेट पहना हुआ है। नागिन से ये इन्फ्लुएंस होता हुआ करण कुंद्रा का लुक काफी ज्यादा स्टाइलिश है। इस लुक को उन्होंने ब्लैक टी शर्ट के साथ कंप्लीट किया है और बहुत ही स्लीक हेयर स्टाइल में वो काफी ज्यादा हैंडसम नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर करण कुंद्रा ने अपने फोटो शूट से रिलेटेड एक और तस्वीर शेयर की है जिसमें वो ऑरेंज कलर की पैंट और ऑरेंज ब्लेजर में नजर आ रहे हैं। इस फोटो में करण कुंद्रा ने अपने ब्लेजर के अंदर तो कुछ भी नहीं पहना है, अपने बैर चेस्ट को वो फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए करण कुंद्रा की ये तस्वीर। आपको करण कुंद्रा का ये स्टाइल कैसा लगा है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आपको इन दोनों लुक में से कौन सा लुक आपका फेवरेट है, ब्राउन जैकेट वाला या फिर ऑरेंज जैकेट वाला, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।